पढ़ने नहीं, सीखने चलो, आज नहीं कल बदलने चलो, चलो न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी चलो। आधुनिक शिक्षा तकनीकों से बच्चे बनेंगे स्मार्ट, न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के साथ बदले अपने बच्चों का भविष्य। नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन जारी है। धरना स्थल पर जो है धरना दे रहे थे। देखिए, बेनीपुर अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आज हम लोग सांकेतिक उपवास और सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। सांकेतिक उपवास और सत्याग्रह के उपरांत आयुक्त महोदय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के साथ समझौता वार्ता हुई है और मांग पत्र समर्पित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र आयुक्त महोदय को समर्पित किया गया है और आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है समिति के प्रतिनिधि मंडल को कि एक सप्ताह के अंदर में यह मांग पत्र सरकार को अग्रसारित कर दी जाएगी आवश्यक कार्रवाई के लिए। जब प्रमंडल से हमारा प्रस्ताव राज्य सरकार को चला जाएगा, फिर हम लोग राज्य सरकार के पास जाके संपर्क करेंगे और मांग जायज और जैनून है। इसीलिए बेनीपुर को जिला का दर्जा दिलाना आज समसामयिक और प्रासंगिक है, जायज मांग है, जनहित में है और इसको दर्जा मिलके रहेगा। बेनीपुर जिला निर्माण हेतु सभी तय शर्तों अर्हताओं को पूरा करता है और जब तक बेनीपुर को जिला का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और जिला का दर्जा मिलके रहेगा। दूसरी बात, कल जिला परिषद दरभंगा ने बाबा नागार्जुन के नाम पर तरौनी प्रखंड गठन का प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजा है। आज हम लोगों ने महथौर प्रखंड के निर्माण की भी मांग की है। इसी तरह हम संघर्ष समिति के सदस्य लोग जब तक बेनीपुर जिला निर्माण का घोषणा विधिवत नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। राम कुमार झा बबलू, संरक्षक, बेनीपुर जिला निर्माण समिति। कौन कौन सी मांग को लेकर के आज हम लोग बेनीपुर को जिला की मांग को लेकर के एक दिवसीय समेकित सत्याग्रह धरना पर बैठे हुए थे और कई लंबे समय से, कई वर्षों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि हम लोग को बेनीपुर को जिला की मांग पूरी की जाए, दर्जा दिया जाए जिला का। लेकिन यह बहरी सरकार, अंधी सरकार बार बार धरना प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं सुनती है। अब हम लोग यहाँ पर आज सांकेतिक रूप से दिए थे, लेकिन अब इसके बाद जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं वो जन आंदोलन होगा, भव्य आंदोलन होगा, बेनीपुर अनुमंडल में होगा। इसलिए हम लोग कई बार आपको डीसी के असेंबली भी क्वेश्चन कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग कई बार लिख के दिए हैं। आज हम लोग धरना स्थल पर अपना स्मारक पत्र जो है आयुक्त बरबड़े साहब को भी हमने अभी आकर के वहीं से रिसीव करा के हम लोग आ रहे हैं। हम लोग बार बार सरकार को प्रशासन को आगाह करते हैं कि हम लोगों को इतना मजबूर नहीं किया जाए ताकि जन आंदोलन करने की नौबत आवे। मेरा मुख्य रूप से यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के रूप में देखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे बाबा नागार्जुन जी की धरती पर और उन्होंने कहा कि बाबा नागार्जुन जी के प्रति मेरा भावना है, सद्भावना है। माल्यार्पण भी किए और माल्यार्पण की उनकी। तो मैं उनसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास किए हैं, विकास को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए हैं, इसलिए उनसे मेरा पुनः मांग है कि बेनीपुर को जिला बनाया जाए, साथ ही साथ महथौर और बाबा नागार्जुन जी की धरती को प्रखंड मुख्यालय बनाया जाए